कैसा लगा आप लोगों को पिकनिक? बहुत अच्छा। मजा आया ना? कैसा लगा ये जगह आप लोगों को? ये जगह कैसा लगा आप लोगों को? तो ये जगह काफी अच्छा है और बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है। सीनियर मैडम लोग और अपनी क्लास वाले, मैडम कैसा लगा आपको ये जगह? बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत है। आप भी आइए। ये जगह कहाँ? सीतापुर के मंगरैलगढ़ में है। बहुत अच्छा है लगा, और मैं बोलता हूँ कि आप भी दोबारा आइए, आपको भी मजा आएगा यहाँ पे। और जरूर आप भी आइएगा, आपको भी अच्छा। मंगरैलगढ़ी माता, सरगुजा के महाराजा की मुरादें पूरी होना और महामाया मंदिर तक की कहानी आज जानेंगे हम इस गांव से। तो अभी हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, बस अभी हम लोग का बस निकलने वाला है, और इधर और जो इस वाला बस है इसमें 1 से 50 रोल नंबर वाले बैठ रहे हैं, और जो इधर है वो 51 से 100 के बीच में जितने भी हैं वो सारे बस रहे हैं बैठने वाले हैं। और इधर जो है संत हर केवल का बैनर लग रहा है, तो हमारे पास अभी 1, 2, 3, 4, 5 बस है, और इधर हैं सर। तो आप सभी को दिखाते हैं पहुंच के कि वहां क्या क्या होता है, और पूरा वीडियो देखने को मिलेगा, जितना प्रोग्राम होगा वो सारा चीज़। और इधर बैनर, तो बैनर वाला मैं भी हूं, पर बैनर अभी नहीं लगाया हूं, तो थोड़ा सा मदद कर देता हूं, और वहां पहुंच के आप सभी को दिखाते हैं कि क्या क्या होता है। और अभी तो हम लोग निकलने वाले हैं और सारा बस लग गया है, तो सारा चीज़ देखेंगे, और अपना बस जो है इसमें जाने वाले हैं। विल्सन, आप किसमें जा रहे हैं? उसमें जा रहे हैं। और आप सर? उसी में। तो मेरा बस जो है वो ये वाला है, तो मैं ये वाला बस में चलता हूँ और आप सभी को दिखाता हूँ अपना बस। इधर है मैडम लोग। मैडम हाय तो बोलिए। तो ये रहा अपना ग्रुप। बीकापुर से लगभग 60 से 65 किलोमीटर दूर ग्राम खड़ादोरना सिकरियापारा मंगरैलगढ़ के लिए हम लोग निकल जाते हैं। गाइए इसे। इसका और प्यार का मजा लीजिए, इसका और प्यार का मजा लीजिए, मेरा इंतजार का मजा लीजिए, मेरा इंतजार का मजा लीजिए। हम लोग बस में हैं और इस साइड का जो ग्रुप है वो पूरा एकदम शांत है, उधर माहौल नहीं है। पीछे वाला जो ग्रुप है, पीछे ग्रुप में पूरा जोर शोर से उत्साह चल रहा है, माहौल दो ग्रुप में डिवाइड हो गया है, ये बस सामने ग्रुप और बैक ग्रुप, और बैक ग्रुप में फुल मस्ती चल रहा है, आपको दिखाते हैं। ये रहा सुनहरा सफर का आनंद लेते हुए मैं पहुंच जाता हूं मंगरैलगढ़ी माता का दरबार। श्री राम। तो ये देखते हैं और हमारे ग्रुप भी आ गया है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अलग रूट में आए हैं, और काफी मजा आया, इतना एंजॉय किया, मस्ती माहौल के साथ इतना एंजॉय किए हैं ना, पीछे वाले भूल गए बट हां, लेकिन सही जगह पे आए, एंजॉय में कमी नहीं थी। हां, फुल एंजॉय, फुल एंजॉय, हम लोग जैसा कोई नहीं किया, हम लोग जैसा कोई एंजॉय नहीं किया। और पहुंच चुके हैं, देखिए ये रहा अपने ग्रुप वाले हैं और सीनियर हैं ये सारे लोग, और उधर से आए हैं खरीद रहे हैं। हां, और सबसे पहले सही जगह में हम लोग को उतारे हैं, हम लोग को पैदल चलना नहीं पड़ा कहीं भी, सीधा मंजिल में पहुंचे हैं, दरवाजे में आए, तो इस बात की खुशी है। और ये रहा अपने ग्रुप के सारे लोग, इतने सारे लोग हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को पहुंच के? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा।
मंगरेलगढ़ माता का मंदिर नदी के दह में था। बैगा से मुठभेड़ होने के बाद दह से बाहर पूजा होने प्रारंभ हो गए। सरगुजा के महाराजा युद्ध से पहले मंगरेलगढ़ी माता से मन्नतें मांगते हैं और लागुड़ बिगुड़ से युद्ध कर विजय प्राप्त करते हैं और सामरी कुसमी को विजय प्राप्त करते हैं। कुछ समय बाद राजा ने माता मंदिर को अंबिकापुर बांकी नदी ले जाने के लिए हाथी के प्रत्येक कदम पर बकरे की बलि देने लगे। तभी बकरे खत्म हो गए, हाथी बैठ गया, वहीं अंबिकापुर के माँ महामाया मंदिर बनी। तो यहाँ आए थे, कैसा लगा आप लोग को ये मंदिर? बहुत अच्छा जगह, शांत माहौल। यहाँ जो भी मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। और सर मांग नहीं भूल गए। मैं तो मांगा हूँ कि मेरे को जल्दी जॉब मिल जाए। ये जो जगह है वो काफ़ी खूबसूरत सा है और यहाँ पे आने के बाद में आपकी मन को शांति मिलेगी और यहाँ का जो माहौल है इतना अच्छा है कि आप यहाँ के माहौल में ढल जाएंगे और यहाँ का जो वातावरण है वो भी काफ़ी अच्छा है, हरियाली है, तो ये सारा चीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको एक नज़ारा फिर से दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये खूबसूरत सा नज़ारा है, तो इससे दूर जाने का मन नहीं कर रहा है। ये रहा, देखिए कितना अच्छा है और साइड साइड में भी मंदिर बने हुए हैं जो भी काफ़ी अच्छा है, पर वो सारा चीज़ आप सभी को दिखाऊंगा मैं, तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए चलते हैं और आप सभी को दिखाता हूं मैं। और यहां पे इस तरीके से लोग अपना वाहन का पूजा करवाने के लिए भी आते हैं, आप देख सकते हैं यहां सामने महिंद्र ट्रैक्टर खड़ा है 415 DI जो कि इसको मेरे को लग रहा है पूजा करवाने आए हैं। तो चलते हैं हम लोग, आगे दिखाते हैं। और इस साइड हम लोग का जो है ये कैटरिंग लगने वाला है जहाँ पे हम लोग का नाश्ता खाने वाने का व्यवस्था है। नाश्ता करने जा रहे हैं और इधर हैं हम लोग इधर नाश्ता करने आए हैं। सब्जी मैडम लोग का है, ठंडा हो गया पूरा। तो यहाँ का जो एरिया है काफी अच्छा है, बगल में नदी है और उस जी कुछ मंदिर बना हुआ है हनुमान जी। तो गाइस इधर है मैडम लोग, हम लोग पिकनिक में आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का जगह? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, शांति की अनुभूति हो रही है। खुशबू मैडम स्पेशल लग रहा है, इतना अच्छा दिख रही है खुशबू मैडम। सारे लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, सारे लोग बहुत अच्छे हैं जो सारे लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि सारे लोग को ड्रेस में देखते थे पर आज थोड़ा सा अलग देख रहे हैं, तो सारे लोग काफी अच्छा लग रहे हैं। और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैडम? ग्राम सर्वेक्षण। मैडम बताइए कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी आज जा रहे हैं ग्राम सर्वेक्षण के लिए। यहाँ पे हम लोग श्री श्री 108 शंकर केवलदास जी महाराज के सानिध्य में ग्राम सर्वेक्षण के लिए उपस्थित हुए हैं। गांव का नाम है मंगरेलगढ़, आगे की जानकारी आपको आकाश सर देंगे। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्राम सर्वेक्षण में, तो गांव खोजना पड़ेगा, पर यहाँ पे जो एरिया है वो काफी अच्छा एरिया है, तो यहाँ से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा हम लोग को। और हम लोग को टाइम दिए हैं 1:30 बजे तक, शायद 1:30 बजे तक, तो 1:30 बजे के बाद में जो हम लोग का प्रोग्राम होगा वो सारा चीज देखने को मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए, आप सभी को बहुत अच्छा चीज दिखाने वाले हैं। सर्वेक्षण कर रहे हैं, तो अभी हम लोग आए हैं ग्राम सर्वेक्षण में जो कि हम लोग का प्रैक्टिकल वर्क है और इसके लिए हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं और देखते हैं कि हम लोग को मिलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे चल रहा है हम लोग का सर्वे और मेरा बचा हुआ है तो जो साइड में बैठे हैं उनसे मैं करूँगा। और यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, इधर जो है एरिया मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जस्ट हम लोग पीटी कर चुके हैं। हाँ, पिकनिक खत्म हो गया है और अभी हम लोग अपने बस की ओर जा रहे हैं। देखिए मैम लोग, कैसा लगा आप लोगों को पिकनिक? बहुत अच्छा।
मजा आया ना? कैसा लगा ये जगह आप लोगों को? ये जगह कैसा लगा आप लोगों को? तो ये जगह काफी अच्छा है और बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है, और यहाँ पे मंदिर है, और यहाँ जो हम लोग पिकनिक मनाए उसके बाद में जितना भी कचरा था वो साफ भी किए, तो स्वच्छता का क्या बोलना चाहिए, प्रचार प्रसार कर लिए। और नहीं तो क्या, और इधर बहुत सारे के सारे लोग हैं, सीनियर मैडम लोग और अपनी क्लास का लोग। मैडम कैसा लगा आपको ये जगह बताइए? बहुत अच्छा लगा, जगह बहुत सुंदर है, आप भी आइए। सीतापुर के मंगरायलगढ़ में है, आप सब आइए। हाँ, ये जगह काफी अच्छा है और जो वातावरण भी काफी अच्छा लगा। और इधर है सर लोग। सर कैसा लगा? पॉजिटिव मैसेज जो मिला? बहुत अच्छा है लगा, और मैं बोलता हूँ कि आप भी दोबारा आइए, आपको भी मजा आएगा। बहुत मजा आया, अगर दोबारा आने का मौका मिला तो मैं पक्का दोबारा जरूर आऊंगा अच्छे से घूमने के लिए। मैडम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, दोबारा जाकर भी नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, नहीं पॉजिटिव बोलना रहेगा, आएंगे आएंगे। अच्छा लगा, और अकेले भी परिवार के साथ भी आ सकते हैं, और इधर आप देख सकते हैं इस तरीके से पिकनिक मना सकते हैं आप भी अपने परिवार के साथ में आके। दिखाता हूँ आपको बैक कैमरा से, यहाँ देखिए यहाँ पे फैमिली पिकनिक कितना अच्छा ये रहा। अच्छा लगा यहाँ पे, अच्छा लगा, हम लोग ने नाश्ते नाश्ते मंगरेल गढ़ी माता का दर्शन किया, बहुत मन को शांति मिली, अच्छा लगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छा। थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया। सर को बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। मैडम आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को कैसा लगा? तो बोली चल गए, मजा आ गया। जो हमारे पीछे आ रहे थे उन लोगों का बस खराब हो गया है, उसकी वजह से हम भी रुक गए हैं, खड़े हैं। हाँ, तो हम लोग का बस इधर है, इधर है, तो हम लोग को यहाँ पे भी और उधर से जा रहे हैं और लेके आएंगे उसके बाद में सारे, और इधर भी बस है, जितना भी बस है उसमें से इधर उधर एडजस्ट करेंगे उसके बाद चलेंगे। और अभी हम लोग ठंडी हवा में कैसा ले रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं, बहुत एकदम शीतल वायु का मजा आ गया।